कुमार पाठक, हिंदी विभाग, डीएवी पीजी कॉलेज। आज बीए सिक्स सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा अपनी खबर की महत्ता के बारे में मैं अपने विचारों को साझा करूंगा। उग्र प्रेमचंद के बाद हिंदी में अकेले ऐसे कहानीकार हैं जो सामाजिक राजनीतिक चेतना की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन साहित्य के इतिहास में उतने ही उपेक्षित भी हैं। इसलिए उग्र पर चर्चा करना हिंदी समाज के भीतर के आपसी अंतर्द्वंद को भी जानना समझना है। दरअसल हिंदी में आत्मकथा लेखन की बहुत समृद्ध परंपरा नहीं है, और यह इसलिए नहीं है कि भारतीय समाज में आत्मकथा को आत्म को बहुत हाईलाइट करने की बहुत पुराने समय से कोई खास परंपरा नहीं है, एक कारण तो यह। और दूसरा कारण यह है कि साहित्य में आत्मकथा एक ऐसी विधा है जिसमें आप केवल अपने बारे में केवल अच्छी अच्छी चीज़ें ही अगर आप बताते हैं तो वह अच्छी आत्मकथा नहीं मानी जाएगी। आत्मकथा के लिए वास्तविकता का आधार बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हिंदी में इस तरह की कोई आत्मकथा नहीं लिखी गई, बहुत बाद में लिखी गई। जैसे राजनीतिक व्यक्तियों में गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग महत्वपूर्ण है, वैसे ही हिंदी में आत्मकथा लेखन की शुरुआत मुगल काल में होती है। बनारसी दास जैन ने 1641 में एक किताब लिखी अर्धकथानक। बनारसी दास जैन जैन परंपरा से आते हैं और जैन मुगल काल के समृद्ध जो दौर है, समृद्धि का काल है, उस दौर में उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी। तो जैन परंपरा में यह माना जाता है कि 110 साल एक सामान्य उम्र है व्यक्ति की, और जब आत्मकथा लिखी उन्होंने बनारसी दास जैन ने, उस समय उनकी उम्र 55 साल थी, लिहाजा उन्होंने उसका शीर्षक दिया अर्धकथानक। हालांकि उसके बाद वो बहुत कम ही दिन जीवित रहे, इसलिए वो आत्मकथा मुकम्मल है, उनकी आत्मकथा है। इसके बाद हिंदी में पूरे लंबे भारतेंदु युग तक आत्मकथा नाम से आत्मकथा विधा पर बहुत मजबूत लेखन नहीं हुआ। भारतेंदु युग में कुछ आप बीती कुछ जग बीती भारतेंदु ने अपने बारे में लिखा, वो आत्मकथा का प्रारंभिक रूप उसमें दिख सकता है। आधुनिक काल में एक बनारस के बहुत ही महत्वपूर्ण विद्वान महामहोपाध्याय पंडित सुधाकर द्विवेदी ने राम कहानी लिखी, वो उनकी आत्मकथा है। भारतीय युग के एक और महत्वपूर्ण लेखक अंबिका दत्त व्यास ने निज वृतांत लिखा, और उसी के आसपास बाद में 20वीं शताब्दी के दौर में 1932 में हिंदी में आत्मकथा लेखन को लेकर के एक लंबा विवाद हुआ जब प्रेमचंद ने हंस का आत्मकथांक निकाला। 1932 मेरे ख्याल से अक्टूबर में हंस ने आत्मकथा पर एक विशेषांक निकाला जिसको लेकर के उस समय के महत्वपूर्ण आलोचक नंदुलारे वाजपेयी और प्रेमचंद के बीच तीखी नोकझोंक हुई। एक लेखकों का एक बहुत बड़ा वर्ग था जो चाहता था कि आत्मकथा लिखी जाए, अपने बारे में लेखक बताएं, और एक वर्ग ऐसा था जो मानता था कि नहीं, इस तरह का लेखन आत्मकथा वगैरह लिखना बहुत अच्छी बात नहीं है। इस पर वैचारिक मतभेद हुआ। हालांकि हंस के आत्मकथांक में बड़े लेखकों ने, तमाम बड़े लेखकों ने उस समय के, रामचंद्र शुक्ल ने, जयशंकर प्रसाद ने और बड़े संत राम बीए ने, तमाम लेखक शिव पूजन सहाय ने, इन लोगों ने अपने अपने जीवन के बारे में लिखा था। बहरहाल 41 में श्याम सुंदर दास की किताब आत्मकथा मेरी आत्मकहानी आई, 41 में ही गुलाब राय की किताब मेरी असफलताएं आई, 47 में राजेंद्र बाबू हिंदी प्रदेश के पहले राजनीतिक व्यक्ति राजेंद्र बाबू ने अपनी आत्मकथा लिखी, सेठ गोविंद दास ने अपनी आत्मकथा लिखी, पंत ने 1960 में 60 वर्ष एक एक रेखांकन नाम से अपनी आत्मकथा लिखी, और उसी दौर में पांडे बेचन शर्मा उग्र ने अपनी आत्मकथा लिखी अपनी खबर। पांडे बेचन शर्मा उग्र उस दौर के प्रेमचंद के बाद दूसरे महत्वपूर्ण कथाकार हैं जिन्होंने सामाजिक राजनीतिक चेतना की दृष्टि से सबसे पहले हिंदी में यथार्थवादी लेखन की
और सामंती पूंजीवादी गठजोड़ के खिलाफ राजनीतिक लेखन की शुरुआत की। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में प्रेम उनके महत्व को स्वीकार किया है। प्रेमचंद ने उनके महत्व को, उनके समय के महत्वपूर्ण लेखक प्रेमचंद ने उग्र के महत्व को स्वीकार किया है। उग्र जितना ख्यात हुए उससे अधिक अपने दौर में उग्र को कुख्यात मिली। उनके खिलाफ 1928 में, मार्च 1928 से विशाल भारत नाम की एक बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका हिंदी प्रदेश की, जिसके संपादक बनारसीदास चतुर्वेदी थे, उन्होंने उग्र के खिलाफ घासलेटी साहित्य का आंदोलन शुरू किया और कहा कि ये उग्र जो लिख रहे हैं यह घनघोर अश्लील है और इस तरह की चीजें साहित्य में नहीं आनी चाहिए। यह आंदोलन 202 साल तक चला। मार्च 1928 से लेकर के दिसंबर 1929 तक उग्र के खिलाफ यह आंदोलन चला, जिसमें बहुत सारी पत्रिकाओं ने बनारसीदास चतुर्वेदी का साथ दिया। और आज विश्वामित्र और इस तरह की कुछ दूसरी पत्रिकाओं ने इस आंदोलन में उग्र बनारसीदास चतुर्वेदी का साथ तो नहीं दिया लेकिन उग्र के समर्थन में भी नहीं आए, वो तटस्थ है। और बनारसीदास चतुर्वेदी बहुत आगे बढ़ करके उग्र की किताब चॉकलेट को लेकर के, जिसमें कुछ कहानियां थी, वह महात्मा गांधी को उस समय पत्र लिखा गया कि यह जो लिख रहे हैं यह घासलेटी साहित्य है और इसमें घृणा का प्रचार होता है, नफरत का प्रचार होता है और इस तरह की चीजें साहित्य में नहीं आनी चाहिए। और महात्मा गांधी से सम्मत मांगने की कोशिश की गई कि आप अपनी राय दें कि इस तरह का लेखन क्या साहित्य में होना चाहिए। तो गांधी ने शुरुआती दौर में तो उसको पढ़ने के बाद बनारसीदास चतुर्वेदी को लिखा कि नहीं, इस तरह का लेखन नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़े दिनों बाद उन्होंने वह बंडल खोल करके उग्र की वह किताब पढ़ी जिसका नाम है चॉकलेट, जो किशोर वय के लोगों के साथ जो यौनाचार होता है, जो अप्राकृतिक मैथुन होता है, इस तरह की चीजों पर उग्र ने लिखा था, कहानियां लिखी, जो एक समाज का बहुत बड़ा सच था, इस पक्ष को उग्र ने उद्घाटित किया था। और गांधी ने पढ़ने के बाद बनारसीदास चतुर्वेदी को लिखा कि नहीं, यह रचना मैं पढ़ गया हूँ, पहले जो मेरी राय थी वह तात्कालिक थी, अब यह रचना पढ़ के लग रहा है कि नहीं, लेखक का उद्देश्य घृणा का प्रचार करना नहीं है, बल्कि इस तरह की जो गर्हित श्लील भोड़ी और इस तरह की जुगुप्सापूर्ण बातें जो समाज में व्याप्त हैं, इनके खिलाफ लोगों के भीतर एक स्वस्थ जनमत का निर्माण करना है, लिहाजा यह उद्देश्य बहुत अच्छा है और मैं इसका स्वागत करता हूँ। जो इस तरह के लोगों का गठजोड़ था उग्र के खिलाफ, उन लोगों ने उस पत्र को 22 साल तक दबा के रखा और अंत में 1951 में वह पत्र साप्ताहिक हिंदुस्तान में बहुत बाद में छपा। तब तक उग्र की काफी जय और क्षय हो चुकी थी, उग्र के खिलाफ काफी लिखा जा चुका था। यह आत्मकथा उग्र ने जो लिखी 1960 में लिखी, और यह हिंदी की इसलिए अकेली विलक्षण आत्मकथा है कि जिसमें लेखक ने किसी भी बात को कुछ भी छिपाया नहीं। आत्मकथा वही अच्छी हो सकती है जिसमें छोटे से छोटा व्यक्ति और बड़े से बड़ा व्यक्ति दोनों आत्मकथा लिख सकता है। छोटे से छोटे व्यक्ति के भी जीवन में कुछ असाधारण घटना हो सकती है जो दूसरों के लिए प्रेरित प्रोत्साहित कर सके, और बड़े से बड़े व्यक्ति के भी जीवन में कुछ खराब घटनाएं हो सकती हैं जिनको आप बताने से उस व्यक्ति की प्रतिमा खंडित होती हो। तो अमूमन होता क्या है साहित्य में, खास करके हमारे भारतीय साहित्य में, कि लेखक राजनेता विचारक और समाज में बड़े ओहदे पर पहुंचा हुआ व्यक्ति अपने बारे में जब लिखता है तो अपने जीवन का जो स्याह पक्ष होता है उस पर वह बहुत नहीं लिखता। इस मामले में उग्र साहसी लेखक कहे जाएंगे, जिन्होंने अपनी खबर जिस शीर्षक से ही व्यंजित होता है कि इसके माध्यम से एक आत्म के प्रति निर्मम समीक्षा, अपनी ही निर्मम आलोचना करने की ताकत अपनी खबर मानो ले रहा है लेखक। उग्र चुनार के रहने वाले थे, बनारस के बगल में चुनार एक जगह है, और एक सामान्य ब्राह्मण परिवार में उनके पिता जगन्नाथ पांडे जजमानी का कार्य करते थे और उसी परिवार से उग्र आते हैं। उनके जन्म के साथ ही जब उनका जन्म हुआ, ठीक 2 साल बाद उनके पिता की डेथ हुई
और इस तरह से पिता की छाया से दूर और घर की माली हालत की दुर्दशा, उसमें बेचन शर्मा उग्र पैदा हुए। उग्र ने अपने पिता पर लिखा है कि मेरे पिता स्वाभिमान के बड़े पुख्ते स्वाभिमान के व्यक्ति थे। जजमानी और गरीबी में जीवन काटते हुए भी उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। लेकिन उग्र ने यह भी लिखा है कि मेरे पिता में सब कुछ अच्छा ही नहीं था। उन्होंने लिखा कि मेरे पिता 12 बालकों के पिता थे। इसमें एक थोड़ा सा कमेंट भी, 12 बच्चे पैदा हुए, हालांकि उसमें जीवित 2 ही रहे, बाकी मर गए। इसलिए जैसे पुराने जमाने में होता है, उनका नाम है बेचन। पैदा होते ही किसी ने बेच दिया और नाम पड़ा बेचन। उग्र ने लिखा कि एक तो पिता की छाया नहीं, दूसरे बेच दिया गया। और इस तरह से बेचन जब बड़ा हुआ, बड़े भाई उमाचरण, उग्र ने लिखा कि भाई थे तो ब्राह्मण, लेकिन ब्राह्मण नहीं थे, ब्रह्म राक्षस थे। इतने शराबी, जुआरी, उग्र का घर कोई चीज ऐसा नहीं था जिसमें जुआ, शराब, व्यभिचार, स्त्री परगमन और स्त्री इस तरह के व्यभिचार, तमाम तरह के इस तरह की चीजें उनके घर में होती थी। वो अपने उग्र का बड़ा भाई न सिर्फ उग्र को मारता था, बल्कि उस अपनी माँ को भी मारता था। ये सब किशोर वय में उग्र पर जो बेचन शर्मा पर जो प्रभाव पड़ा, इस सबका अंकन उस आत्मकथा में उन्होंने किया। जब घर की माली हालत काफी खराब हुई तो उमाचरण पांडे के साथ उग्र निकल गए रामलीला मंडलियों में। यहीं से आत्मकथा शुरू होती है और वह जाते हैं अयोध्या बनारस की रामलीला मंडलियों से घूमते हुए सीमांत अफगानिस्तान की सीमा तक वह जाता है, बच्चा छोटा। अब इस दौरान इसके माध्यम से उग्र ने अपनी आत्मकथा के माध्यम से यह किया कि रामलीला मंडलियों के भीतर जो दोनों भाई संघर्ष कर रहे हैं पैसे के लिए, घर की माली हालत को बचाने के लिए, लेकिन छोटे बच्चों के साथ जो रामलीला मंडलियों में जो चीजें हो रही हैं, नारकीय, जो उसका भगत है, जो नागा साधु है, उग्र ने कोई भी चीज को पूरी आत्मकथा में उसने छिपाया नहीं। जब बच्चे किशोर छोटे बच्चे जब नहाते हैं, नहाने के बाद जो वह नागा साधु है उन छोटे बच्चों को अपने कंबल में लेकर के रख लेता है, उनके साथ इधर उधर की अप्राकृतिक हरकतें करता है। और अगले दिन पूरे रामलीला मंडली में यह कानाफूसी शुरू होती है, जिसको उग्र ने तरह तरह की चर्चाएं, कोई विरोध नहीं करता है, कोई विरोध मंडलियों में नहीं करता है, लेकिन एक दूसरे की कानाफूसी शुरू होती है कि यह तो इसके साथ, जैसे ही चर्चाएं होती हैं। इन सब परिवेश से निकलते हुए उमाचरण पांडे जो उग्र के बड़े भाई हैं, वो उग्र को बड़ी मार भी मारते हैं अगर कोई भी गलती हो जाने पर। इवन रामलीला मंडली में जब लक्ष्मण का वह अभिनय कर रहे हैं और एक संवाद भूल गया, तो वहीं धीरे में हाथ पकड़ के कह रहा है कि अभी पता चलेगा, जब पर्दे के पीछे चलो तो इतनी मार मारूंगा कि क्या होगा। यह सब उग्र ने अपनी आत्मकथा में रेखांकित किया और इसके माध्यम से वह पूरे ले जाते हैं अपने परिवार को। कैसे 5 रुपया मिलने पर वह गांव भेजते हैं, गांव के हाल, बर्तन बिक गया है, माँ दूसरों के घर बर्तन झाड़ू पोछा का काम करती हैं, और इस तरह से उनके जीवन। वो पढ़े नहीं, हालांकि उनके सहपाठी थे यही सेंट्रल हिंदू स्कूल में कमलापति त्रिपाठी और संपूर्णानंद जैसे लोगों के साथ उनके व्यक्तिगत परिचय थे। आज का दौर होता जिस तरह से साहित्यकार के समझौते लेखक और विचारक करता है, इस तरह से उग्र ने कभी कोई अपने जीवन में समझौता नहीं किया। इसलिए उग्र अपनी उग्रता के कारण और वैचारिक तेजस्विता के कारण आज भी अलग से जाने रेखांकित करने योग्य है। एक हिंदी के महान आलोचक हुए हैं, उन्होंने कहा है कि उग्र ने अपनी यात्रा नरक से स्वर्ग तक की थी। 1924 में जब वो गांधीवाद से उनका मोह भंग होता है और 25 में जब चिंगारी, 26 में चिंगारी का प्रकाशन होता है जिसमें 12 कहानियां हैं, 6 कहानियां रूसी आंदोलन, रूसी, रूस की, सोवियत संघ की क्रांति से संबंधित है, और 6 कहानियां भारतीय समाज से संबंधित है, जिसमें मैं, मेरी माँ मरी जलियांवाला बाग पर कहानी है, और एक नादिर शाह 1857 पर कहानी है। तो इस तरह की क्रांति, वो सचिंद्रनाथ सान्याल के मित्र थे, क्रांतिकारी आंदोलन, मन्मथनाथ गुप्त उनके मित्रों में से थे, इस तरह के क्रांतिकारी। तो चिंगारी के माध्यम से उग्र ने मानो हिंदी साहित्य में एक चिंगारी पैदा कर दी, और इसी के माध्यम वह 1925 जो काकीनाड़ा कांग्रेस होती है उसमें वह भाग करके